कलयुग का बेटा। जी हां, आपने सही सुना, एक कलयुग के बेटे ने जो लखनऊ राजधानी लखनऊ में संपत्ति के लालच में एक संकी बेटे ने अपने माँ बाप और छोटे भाई की हत्या कर डाली। हत्यारे बेटे ने पहले तीनों को खाने के दौरान दाल में 90 नींद की गोलियां दे दी, बाद में तीनों को नशे की हालात में तीनों की हत्या कर डाली। आरोपी ने अपने एक साथी अनिल को 1,80,000 रुपए की सुपारी देकर अपने साथ शामिल किया था। हत्या के बाद तीनों की बॉडी को कार में डालकर इटौंजा, मलिहाबाद और माल खेतर में ठिकाने लगा दिया था। फ्लाइट में जम्मू कश्मीर पहुंचकर मृतकों के मोबाइल से बहन को उस भाई ने झूठी सूचना देकर ये बताया था कि भूस्खलन में तीनों लोग लापता हो गए। बहन को कहा गया कि ये तीनों रामबन के रामसू एरिया में भूस्खलन के दौरान मारे जा चुके हैं। ये सूचना उस हत्यारे ने, कलयुग के बेटे ने अपनी बहन को ये झूठी सूचना दी कि तीनों उसके माता पिता और उसका छोटा भाई जम्मू कश्मीर यूटी जिला रामबन के रामसू में भूस्खलन के दौरान मारे जा चुके हैं। दरअसल ट्रिपल मर्डर की ये सनसनीखेज वारदात किसी फिल्म कहानी से कम नहीं है, जिसमें एक बेटे सरपराज ने संपत्ति की लालच में अपने ही माँ बाप और भाई की हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली। हत्यारे सरपराज ने बीते 6 जनवरी की रात पहले अपने बुजुर्ग माँ बाप मोहम्मद अली और दरखशा व छोटे भाई शावेज को खाने के दौरान दाल में 90 नींद की गोलियां दे दी, बाद में बेहोशी की हालत में तीनों के बांके से गला रेत कर मौत की नींद सुला डाला। इसके बाद अपने साथी अनिल के साथ मिलकर अपनी कार से तीनों के शवों को इटौंजा, मलिहाबाद और माल खेतर में ठिकाने लगा दिए। बाद में खुद फ्लाइट पहुंचकर कश्मीर और मृतकों के मोबाइल से बहन को ये सूचना दी कि तीनों लोग कश्मीर में भूस्खलन में कहीं लापता हो गए। बेटी के ट्वीट पर बीकेटी और विकास नगर पुलिस एक्शन में आए और तीनों शवों को बरामद कर आरोपी से पूछताछ जारी की। इसी ट्रिपल मर्डर का खुलासा हुआ। ये वो कलयुग का बेटा है जिसने अपने ही माता पिता और छोटे भाई की संपत्ति की लालच में, यानी धन दौलत जायदाद की लालच में आकर इन तीनों को मौत के घाट उतार दिया। इसी पर पेश है ये खास रिपोर्ट।